भ्रष्टाचार का खेल किया है। चूरू से आंख खोलने वाली यह तस्वीर आपको दिखाते हैं। सरदार शहर में स्वच्छ भारत मिशन का बना मजाक। शौचालय निर्माण में जमकर भ्रष्टाचार। शौचालय बन गया कबाड़। खुले में शौच के लिए मजबूर दलित बेटियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान को पूरे देश में एक मिशन की तरह चलाया। इस योजना के तहत खुले में शौच से मुक्ति के लिए देश भर में लाखों शौचालय का निर्माण करवाया, जिस पर अरबों रुपए खर्च किए गए। लेकिन प्रधानमंत्री के स्वच्छता मिशन को भ्रष्ट अधिकारी और ठेकेदार पलीता लगा रहे हैं। देखिए सरदार शहर के दलित बस्ती में शौचालय निर्माण की हकीकत। ये शौचालय की चार दीवारी नहीं बल्कि भ्रष्टाचार की इमारत है। देखिए, कहीं शौचालय कबाड़ घर का रूप ले चुकी है तो कहीं शौचालय बकरियों की ऐशगाह बन गई है। दलित बस्ती की बेटियों को आज भी खुले में शौच के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। दो साल होगी अर्सी मटकाइया खड़ा करके गया और दो दो बिलिया मेर के गया और कोई बंग मायने सार को नहीं के बंग मायने बढ़िया बढ़िया दो दिन कौन चले आए। दलित बस्ती के लोग मुश्किल से दो वक्त की रोटी का जुगाड़ कर पाते हैं। इस गरीब बस्ती के घरों में जो शौचालय बनाए गए उनमें ना तो पानी की टंकी रखी गई है और ना ही कनेक्शन किए गए। आधे अधूरे शौचालय की दीवारों पर अब कपड़े सूख रहे हैं तो कहीं जानवरों को बांधा जा रहा है। देखिए, शौचालय के दरवाजे पर लाभार्थी का नाम लिखकर फोटो खींचकर ठेकेदारों ने बिल पास करवा लिए। अब इन लोगों का कहना है कि उसके साथ धोखा किया गया है। ये शौचालय बना तो गए हैं लेकिन ये पूरी तरह से तैयार नहीं किए गए, फिर भी लोगों को मजबूरन यहाँ से दूर जो पास में खुली जगह है वहाँ पे हमारे समाज की बहन बेटियों को टॉयलेट के लिए जाना होता है, जो कि हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। ये शौचालय इस घर में शौचालय नहीं, ये बाहर शौचालय करते हैं। और जो यहाँ पर जो अगर वोट के टाइम आ जाते हैं और इनको भोले वाले लोगों को बुलाकर अपना वोट अल्लू सीधा करके और वोट ले जाते हैं और काम इसका इनका कुछ नहीं करते। नगर पालिका में नेता प्रतिपक्ष राजकरण चौधरी ने शौचालय निर्माण पर सवाल उठाते हुए कहा है कि पालिका प्रशासन से कई बार आधे अधूरे निर्माण को लेकर ठेकेदार की शिकायत की गई, लेकिन पालिका प्रशासन ने शिकायत की अनदेखी कर ठेकेदार को बिना शौचालय निर्माण कराए पूरा पेमेंट कर दिया। मैं उनमें फिटिंग स्थापित की, मैं उसमें कोई पाइपलाइन फिटिंग की और मेरी जहाँ तक जानकारी है पूरा नगर पालिका में इसका भुगतान कर दिया बिना जांच किए। हमारी शिकायत थी, हमने रिक्वेस्ट भी की कि गरीबों के साथ धोखा हो रहा है, लेकिन पालिका अध्यक्ष और अफिसर श्री अधिकारी ने बिना हमारी सुनवाई किए भुगतान कर दिया। दरअसल शौचालय निर्माण में भ्रष्टाचार की कहानी तो ये शुरुआत भर है। स्वच्छ भारत के मिशन को किस तरह अधिकारियों और ठेकेदारों ने मजाक बनाकर रख दिया, अब जरा दूसरी तस्वीर देखिए। लोगों की सुविधा के लिए ये बना सार्वजनिक शौचालय है, लेकिन जरा इसकी हालत देखिए। कई शौचालय के दरवाजे तक गायब हैं, कईयों की टंकियां तक गायब कर दी गई हैं, तो कई जगह नल टूटे पड़े हैं। साफ सफाई का आलम तो ये है कि महीनों इन शौचालयों की सफाई नहीं होती है। महिलाएं इधर से उधर घूम रही है, उनके गेट भी नहीं है और टंकियां भी नहीं है। ये हालात है, नगर पालिका इसको ध्यान देना चाहिए, कोई ध्यान नहीं देते हैं, कोई तरह की व्यवस्था नहीं है। ये एक गरीब के साथ में बहुत बड़ा मजाक हुआ है और मैं नहीं समझता कि इतना बड़ा मजाक जो इन लोगों ने किया है वो ठीक है। अभी भी अगर नगर पालिका इस पर ध्यान देगी तो शायद ये काम पूरा हो सकता है। सोचिए, दलित बस्तियों में किस तरह ठेकेदारों ने लोगों को धोखे में रखकर शौचालय के नाम पर बड़ा गबन किया। वहीं सार्वजनिक शौचालय देखरेख के अभाव में जर्जर हो चुका है, टंकियों की चोरी हो रही है, लेकिन नगर पालिका के अधिकारियों को अब भी शिकायत का इंतजार है। नल तो तोड़ के छोड़ देते हैं, वो जो उसको प्रयोग में लेते हैं वो भी उसके सार संभाल नहीं करते हैं बिल्कुल भी, तो पूरी तरह से उसको काम में लेते हैं। टंकियां चोरी हुई होगी, मैंने तो शहर स्वच्छ हो और जो भी मापदंड है स्वच्छ भारत मिशन के और सैनिटेशन से संबंधित राज्य सरकार के जो भी आदेश हैं हमारे,
उनके मापदंडों के अनुसार जो शौचालय बने हुए हैं वो पूर्ण हों और यदि कोई कमी रही है तो उन कमियों को सुधारने का प्रयत्न करेंगे। 21वीं सदी में प्रधानमंत्री साफ और स्वच्छ भारत की कल्पना को साकार करने में लगे हैं। इसके लिए सरकार हर साल अरबों रुपए खर्च कर लोगों को जागरूक कर रही है, लेकिन अब अधिकारियों की नाक के नीचे शौचालय निर्माण में धांधली और भ्रष्टाचार होने लगे तो स्वच्छ भारत पर सवाल खड़े होना लाजमी है। चूरू से नरेंद्र राठौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।